नमस्कार, स्वागत है फिर से आपका डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में। एक बार इस पार्ट में जो 18th पार्ट है, आप इस पे आप रिगिंग के लिए आप कंसीडर करके आप जा सकते हो आगे। तो जैसा कि अभी तक हमने जो टेक्सचरिंग वगैरह किया, जो भी हमने जो कलरिंग और मॉडलिंग किया, हमारा मॉडल एक जगह पे सेव है और उसको हम आगे रिगिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो ये पार्ट होगा रिगिंग का, हम बोन सेटअप सिर्फ करेंगे इस पार्ट में। तो बोन सेटअप के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना मॉडल को ओपन किया, जो हमारा जॉन ऑफ आर्क का 17th पार्ट जो शिफ्ट था, जो हमने बस ऐसे कुछ सेटअप लगाया था इसका जस्ट थंबनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो, हमारा अभी लाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप रेंडर मोड पर देखोगे तो आपको आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर दिखेगा। जो एक बार थोड़ा सा वेट करके आफ्टर अपडेटिंग कि जो हमने जो अभी ये किया था इसका, आप जूम करके इसको थोड़ा सा देख सकते हो कैमरा लॉक करके। तो अब तक का हमारा ये मॉडल बना था और हमने जो भी टेक्सचरिंग वगैरह किया इसका, जो आप देख सकते हो। तो अब हमारा ये काम होता है जस्ट इसका रिगिंग सेटअप के लिए, और इसको हम एनिमेशन के लिए आगे रेडी कर सकते हैं। तो रिगिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप जा सकते हो, तो बेसिक कुछ वीडियो मैंने डाला है जो रिगिंग से रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा सा ओवरऑल मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि रिगिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें आप एक स्केलेटन बनाते हो एक कैरेक्टर का, जो उसका लुक के अकॉर्डिंग और बॉडी शेप के हिसाब से। और वो स्केलेटन जैसे मानव इंसान में जो हड्डियाँ होती है, जैसे वो हड्डी एक जस्ट मैकेनिज्म के जैसा वर्क होता है मसल्स के थ्रू, तो वही प्रोसेस हम लोग जस्ट इसमें मिमिक करने की कोशिश करते हैं, डुप्लीकेट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है आपका रिगिंग। तो इसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर्स होती है। वैसे बहुत सारा अगर रिगिंग की बात करूँ तो मैं डिटेल में जाऊँगा तो छोटा छोटा वीडियो भी मुझे लग रहा है कि बना के देना पड़ेगा। जैसे कंस्ट्रेनिंग क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक कस्टम तरीके से रिगिंग बना सकते हो, मैनुअल तरीके से भी। लेकिन ब्लेंडर के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक रिगिफाई करके आपको एक एडॉन्स है जो ऑलरेडी है प्रीवियस, जो आपको पूरी तरह से आपको एक मेटा रिग बना के देता है, जिसमें लाइक डिटेल रिगिंग आप फुल बॉडी रिग करके देगा आपको, ह्यूमन का, लाइक क्वाड्रोपाइड का, चार पैर का, एनिमल्स का, लाइक दैट। तो बहुत सारे प्रीसेट्स भी मिलेंगे। तो हम लोग क्यों ना मैं उसी को यूज़ करूँ, क्योंकि हमें बोन सेटअप करना एक लंबा प्रोसेस में जाना, जबकि ये टूल प्रोवाइडेड है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जी इसके रिग के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस मेटा रिग को, जो भी आप रिगिफाई यूज करोगे, तो उसका कंट्रोल को प्रॉपर आप यूज कर सकते हो एनिमेशन के बाद। तो मैं वैसे सीरीज में जो भी दे रहा हूँ आपको, उसमें आपको एनिमेशन तक बताऊंगा, एक एक कंट्रोल के बारे में डिटेल पे बताऊंगा उसको हम एनिमेशन कैसे करेंगे अपने अपने अलग अलग हालात में, अलग अलग जो सिचुएशन होता है एनिमेशन का जो प्रोसेस, उसके बिहाफ पे हम उस कंट्रोल्स को कैसे एनिमेट करेंगे, और एक जस्ट पोजेज और एक एनिमेशन, एक बॉडी लाइक जो भी एक्शन हम बना सकते हैं कैरेक्टर क्रिएचर्स का जो भी है। तो चलिए, ये सबसे पहले स्केलेटन क्या होता है, जैसे आप बोन का जैसे मैंने बात किया, तो बिफोर स्टार्टिंग बोन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट जो एक्स्ट्रा है मैं इससे इसको हटाना चाहता हूँ यहाँ से, जो व्यूपोर्ट पे नहीं दिखे। तो थोड़ा सा हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं बिफोर रिगिंग, और अभी हमें फाइनली ये भी चेक करना है कि आपका मेस वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, जो कुछ ऑप्शंस लगे हुए हैं कुछ भी हिस्ट्री, तो उस सबको हम लोग एक बार क्लीन अप करते हैं। तो चलो, एक कैमरा है यहाँ पे, आप देखोगे कुछ लाइट्स हमने लगाया हुआ है। तो लाइट कैमरा को एक अलग अलग ग्रुप बना करके हम लोग अगर लेयर बोलते हैं यहाँ पे, तो कलेक्शन, जस्ट एक कलेक्शन बना लेते हैं। जैसे इतना सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ। तो वैसे सिलेक्शन के बाद ये क्या सेलेक्टेड कलेक्शन नहीं बना है, तो आप बाद में इसको सिलेक्शन करो, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इसमें रखना चाहते हो, सिंपल लेफ्ट क्लिक करो और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके, सॉरी, इसको सेलेक्ट करके आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, होल्ड ऑन, लेफ्ट क्लिक देन ड्रैग, एंड कलेक्शन टू के ऊपर छोड़ देंगे। और कैमरा को भी वैसे लाना है, इसको भी हम सेम करते हैं, यहाँ पे कलेक्शन के अंदर डालते हैं। तो एक तरह का आपका एक कंटेंट लेयर बना लिया है, कलेक्शन इज समथिंग लाइक कंटेंट लेयर। अगर इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप बेसिक टूल्स पे आप जाओगे, मेरा लाइक मेरे चैनल्स का जो प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, तो आपको बेसिक लर्निंग का है, उसमें आपको ये सब छोटा छोटा पार्ट्स में दिया हुआ कलेक्शन के बारे में, लेयर्स के बारे में। और तो डबल क्लिक यहाँ पे करते हैं और इस कलेक्शन का नाम मैं रखता हूँ कैमरा एंड लाइट्स।
कुछ भी आप एक अपना रिकॉग्नाइज के नाम से दे दो, जिससे आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कभी हमको हाइड करना है अनहाइड करना है। तो फिलहाल अभी हमें यहाँ पे वर्क मोड पे जाना पड़ेगा, वर्क स्पेस मोड पे हम चले जाते हैं जो हमें ऐसे शेडेड में दिखे गए। तो बाकी का जो एरियाज है लाइक ये सब आप देखोगे, ये सब को सिलेक्शन करने के बाद थोड़ा सा हम इसका प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, जस्ट मॉडिफाइज में। तो आप देखो ऑल सेलेक्टेड आपको पता नहीं चलता, वैसे ये कलेक्शन का भी हम नाम रख देते हैं डबल क्लिक करके, जो हमारा पूरा कैरेक्टर बॉडी का जो मिस है इसके अंदर वो है आप देखेंगे इसमें। तो मैं ऑल कलेक्शन को मैं चाहता हूं कि एक नाम दे दूं, जैसे कैरेक्टर जियोमेट्री, मतलब कैरेक्टर जियो कलेक्शन हो गया आपका। तो ये आपका कभी भी हाइड एंड हाइड कर सकते हैं इसको, और हम कोई फिल्टर लगा सकते हैं इसके अंदर, इसको जस्ट हमें फ्रीज करना है। तो मैं एक फिल्टर ऐड कर दिया, और बहुत सारे फिल्टर है जिसके बारे में मैंने बताया हुआ है, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में। अगर मैंने इसको लॉक कर दिया, फ्रीज कर दिया, तो आप देखोगे कि आप मैं इसको सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। तो वैसे आप जो अब जैसे वांटेड जो होगा वर्किंग के हिसाब से आप ये कर सकते हो। तो चलो अभी मैं लगा के रखता हूँ, मैं इसका यूज होगा हमारे, ये हमने इसको हाइड करके रखा है, यहाँ से आप हाइड एंड हाइड करते हैं यहाँ से भी। ओके, तो आपका ये व्यूपॉइंट पे रहेंगे लेकिन आप दिखेंगे नहीं। तो रिगिंग करते समय कोई अनवांटेड कुछ एलिमेंट्स सिलेक्शन होता है, इधर उधर होता है, तो प्रॉब्लम होता है। और मैं दो और एलिमेंट जो यहाँ पे हमारा मेस है, जैसे ये क्लॉथ मेस मैंने बनाया था, दो मेस को मैं क्लॉथ सिमुलेशन के नाम से अलग रखता हूँ। इसको मैं रिगिंग के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, इसको मैं एज ए क्लॉथ सिमुलेशन में करूँगा इन फ्यूचर। ओके, जो इसमें सेकेंडरी एनिमेशन होगा वो भी आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए इसका दो एलिमेंट्स को मैं अलग से एक नया राइट क्लिक करके यहाँ पे बनाएंगे कलेक्शन। ओके, न्यू कलेक्शन, और इस कलेक्शन में इसको हम ड्रैग करके रखेंगे। तो चलिए इस कलेक्शन का नाम मान लो मैं रखता हूँ क्लोथ एलिमेंट्स, कुछ भी आप रख दो नाम, अभी रिकॉग्नाइज रहेगा। देन दो बोथ सेलेक्टेड, लाइक सिर्फ पकड़ के दोनों को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक्सपेंड करो, तो जो सेलेक्टेड आइटम है और इसको हमें क्लोथ में डालना है। तो बोथ सेलेक्टेड, इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे और क्लोथ एलिमेंट्स में इसको पुट कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये अभी हाइड करके रखो। तो ये सब ऐसे हम लोग क्लीन अप करते हैं। और कहीं भी बेस अभी मुझे दिख रहा है कि कुछ मैसेज जो है जो अनवांटेड आपको शो हो रहा है, जैसे ये है, इसको आप सेलेक्ट करो और टाइप प्रेस कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट जेड प्रेस करके ऊपर का पार्ट को मैंने सेलेक्ट करना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर दो अंदर की तरफ। तो अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल करता हूँ, तो प्रोपोर्शनल के लिए ये सेलेक्ट करो या ओ प्रेस करो और एस प्रेस करो और इसको थोड़ा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल अप करो, तो आप देखोगे ज़्यादा एरिया थोड़ा सा स्केल अंदर की तरफ होगा और ये दिखना नहीं चाहिए आउट ऑफ मिस, सिर्फ जेड प्रेस करो। तो आप चलो अभी फिलहाल अभी ये चला गया। वैसे स्क्रीनिंग के समय इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ही प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। तो अभी चलो अभी हम क्लीनअप पे हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आप अब सिंपल, जो जैसे हमने क्लोथ लिया, तो आप क्लोथ को पहले आप अनहाइड कर लो, इसको पूरी तरह से आप अनहाइड रखिए और चेक करो कि इसका कोई ये तो नहीं है इसके ऊपर। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमारा ये एडिशनल कुछ इसमें नहीं है कुछ। तो चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको आप स्टॉप कर दो, यहाँ से आप एक्सपेंड कर लो एक बार। तो एक एक करके आप चेक करना जरूरी होता है, वरना आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। तो आप देखोगे एक को अगर मैंने सेलेक्ट किया है, कोई इसमें ट्रांसफर वैल्यू भी नहीं है क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ क्लीनअप वैसे। तो और भी हम देखते जाएंगे कि किसी में ये इनिशियल सिर्फ स्केल वैल्यू 111 होगा, अदरवाइज सारे डिफॉल्ट वैल्यू 0 हो गए रोटेशन और लोकेशन में। तो अभी ऐसे आप सबको चेक कर लो अपने हिसाब से, अगर अभी भी रिनेम करना है, प्लस आप साथ साथ में ये भी चेक करो। जैसे देखो ये क्यूब है, तो चलो हमने जो लिया था इसको आप रिनेम भी कर सकते हो। तो ये अभी मैं क्या करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, अभी मुझे एक एक को अप्लाई करते जाना है। तो कुछ ऐसा इससे क्या होगा बेनिफिट की जो भी हमने लगाया हुआ है एलिमेंट्स वो सबको अप्लाई करने से हमारा मेस फिक्स हो जाएगा, कोई हिस्ट्री नहीं रहेगी। जस्ट हम देखते हैं कि कितना, अभी मैं इसको 1 डिवीजन रखता हूँ क्योंकि स्किनिंग करते समय उसके बाद हम लोग लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो स्किनिंग करते समय आप 1 से ज़्यादा मत रखो, सबका
इसका भी हो गया, ये जब चेक किया हमने, और इंटरनल स्क्रीन जो है जैसे अंदर जो था हमारा वो भी हम सेलेक्ट करेंगे एक बार, ये वाला पार्ट इसे भी देखेंगे, इसका भी कोई हिस्ट्री नहीं है। ओके तो ऐसे आप सभी को आप क्लीन अप कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जो आपको लगता है, जैसे यहाँ पे हमने दो नहीं रखा है, एक रखते हैं और इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो एक बार सबको स्मूथ कर ले, लाइक ऑल सेलेक्टेड हेयर इंक्लूडिंग आई बॉल, देन जो भी आई लेसेस वगैरह हमने जो भी बनाया है सबको एक बार चेक कर लेंगे फाइनली। इवन आप टिथ बनाया हो जो भी, वो भी देख सकते हो, जैसे टंग है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका कि यहाँ पे मिरर भी है और इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबको अप्लाई कर दो अभी फिलहाल, इसको क्लिपिंग करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आप अप्लाई करें फिर इससे अप्लाई कर दो। सो इस तरीके से आप इसमें भी देखेंगे, इसको भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, और मिरर भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं लाइक दिस, डन। तो इस तरीके से आप सबको ओके कर लो, और एक बार मैं इसको सेवेज कर लेता हूँ अभी है, सेव कर लो फाइल, जो आप यहाँ से आप जा सकते हो। तो ऑलमोस्ट हमने ऐसे इस तरीके से क्लीन कर लेंगे, और आपने देखा कि ये रिनेमिंग और एवरीथिंग हमने कर लिया, जितना रिक्वायरमेंट था एवरीथिंग ओके ओके। चलिए तो इससे क्या होता कि सिलेक्शन करने में हमें ईजी पड़ेगा। फिलहाल जब मैं इसका थोड़ा ये समझने की कोशिश करता हूँ इसमें बोन के बारे में, और रिगिफाई अगर मैं यूज़ करता हूँ तो रिगिफाई हम कैसे इसके अंदर फिट करेंगे, तो चलो समझते हैं। पहले सबसे फर्स्ट अगर आप एडिट में जाओगे, मैं बता देता हूँ, वैसे मेरे में इंस्टॉल्ड है, प्रिफ्रेंसेज में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप और सिर्फ ए प्रेस करते हो तो आप देखोगे कि आर्मेचर में यस ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है इसका रिगिफाई को, तो आप यहाँ पर जाओगे आर आई जी रिग सिर्फ लिखो, आप देखोगे यहाँ पे आपको वैसे खुला हुआ नहीं, आपको ये जो हमने लगाया रिगिफाई है आपको चेक ऑफ रहेगा यहाँ पे मिलेगा। तो मुझे चाहिए, मैंने इसको ऑन कर लिया, ये ऑन करने की वजह से अभी हमें क्या हुआ, अब जैसे देखो ये तो प्रिफरेंसेस के बारे में हम लोग को पता है, अगर मैंने रिगिफाई को टर्न ऑफ किया जबकि आपका एडोन्स में है ये, और शिफ्ट ए प्रेस करो तो अभी आप देखो यार आर्मेचर में ओनली सिंगल बोन मिलता है। तो आप सिंगल बोन से भी आप अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट और स्किल्ड हो जाओगे तो आप इससे भी बना सकते हो, जैसे इसे भी आप देखोगे एडिट मोड में जाके, जैसे आप इसको एक्सट्रूड करना है ई प्रेस करके आप एक्सट्रूड करते जाओ ई ई, और जितना भी अगर हम जैसा भी बोन बनाते हैं ये आप देखेंगे कि एक हेरार्की बनाता है, इसका एक हेरार्की बनता है, और उस हेरार्की को लेके अगर हम पूरे बॉडी में लगाते हैं कि अगर मैं इसको पोज मोड पे जाऊं और कहीं भी इसका मूवमेंट डालूं, जैसे आर आर प्रेस करके हम किसी भी एंगल पे इसको रोटेशन करते हैं, तो ये रोटेशन हमारा ये इस एज ए स्किन बॉडी में जहाँ पे लगा हुआ है उसको इन्वेलप के हिसाब से वो उसको डिफॉर्म करेगा। तो जस्ट इंसान का बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बोन स्केलेटन, वही स्केलेटन आपको पहले बनाने का केस है। तो वैसे मैं शुरू करता हूँ रिगिफाई से, अगर मुझे करना है तो बहुत ही सॉल्यूशन कर दिया गया है इसके अंदर, और अभी जो इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ, अभी ये बोन की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे एक नया कलेक्शन बना लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग लाइक। तो क्या करना है आपको, अभी रिगिफाई यूज करना है, तो चलो आप इसको ऑन कर लो रिगिफाई एडोन्स में जाके, देन एक बार इसको सेव प्रिफरेंसेस कर दीजिए, देन आप इसको अब निकल जाओ यहाँ से क्लोज कर लीजिए ओके। तो हमारा रिगिफाई आ गया, और थोड़ा एक और काम करते हैं बाय प्रेसिंग एन, हम शॉर्टकट इसका ऑन कर देता हूँ, तो आप देखोगे फिर एन प्रेस कर दो, तो लेट्स स्टार्ट, अब हमारा ये स्टार्ट करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक नया कलेक्शन और बनाते हैं, क्योंकि अभी जो भी मैं करूँगा कोई कलेक्शन सेलेक्टेड होगा उसके अंदर ये बना देगा, और इसे मैं फ्रीज कर देता हूँ, सबसे पहले इसको फ्रीज करता हूँ। तो क्या होगा कि इसे हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, शिफ्ट जेड प्रेस करेंगे तो हमारा वायर फ्रेम में भी दिखेगा आर पार देखने के लिए जब हमें सेटअप करूंगा, तो फिलहाल शिफ्ट जेड प्रेस करके आप बाहर आ जाओ, और ये चलो फ्रीज हो गया। हम एक नया राइट क्लिक करके एक न्यू कलेक्शन बनाते हैं, और इस कलेक्शन का नाम रखते हैं वर्किंग ओके। तो रिसेंट वर्किंग को मैं सिलेक्ट करूंगा कि एक नया हमने
कलेक्शन बनाया जिसमें जो भी मैं अभी नया न्यूली क्रिएट करूंगा सब इसके अंदर रहेगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये सब सेपरेट रहेंगे। ओके, तो चलिए शिफ्ट ए अब प्रेस करो तो आप देखोगे आर्मेचर के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है दो तरह का। आप देखोगे यहाँ पे एक मेटा रिग है और एक है एनिमल्स के लिए, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है जैसे रेप्टाइल के हिसाब से, क्वाड्रोपाइड के हिसाब से, तो जैसे सार्क देख रहे हो। ओके, तो ये सब रिग है, आपको जैसा भी रिग करना है वैसे आप मैनुअली अगर आप ये बना लेते हो कुछ भी, जैसे देखो अगर आपने आर्मेचर से बनाया तो ये इसमें एक बहुत खास बात होता है मेटा रिग में, सॉरी रिगिफाई में, जिससे आप सिंगल बोन से भी अगर आपने मान लो कि एक कुछ बनाया यहाँ से, और इसको अगर मैं एडिट मोड पे जाता हूँ बाय प्रेसिंग टैब और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके सब डिवाइड कर देता हूँ, दो तीन सब डिवीजन ले लेते हैं। ओके, और इस तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ई प्रेस करता हूँ इधर से और ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखोगे जितना भी बोन हो रहा है, फिर ई प्रेस करके मान लो कि एक बोन इधर से निकाला, फिर इधर सेलेक्ट किया ई प्रेस करके, फिर ई प्रेस करके समथिंग, आप कुछ भी एक जस्ट टेस्ट के तौर पे मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका है। अब अगर इससे सेलेक्ट करके आप इसके जाओगे यहाँ पे और इसमें आपको मिलेगा, अगर आपने जेनरेट रिग किया इसको तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये इसके साथ एक रिग का एक पैनल मिल जाता है। सॉरी, तो एक्चुअली हम लोग इससे रखते हैं इसको। हाँ, तो ये क्या करता है कि अभी बहुत सारे सेटिंग्स के बाद अभी मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ अभी, क्योंकि वो लेंदी नहीं करना चाहता हूँ इसमें, तो आपको ऑटोमेटिक इसके अकॉर्डिंगली आपको सारा कंट्रोल्स बना देंगे जिससे आप एक जैसा स्ट्रक्चर आप रखोगे उसके हिसाब से बन जाते हैं। तो कुछ सेटिंग्स होता है जो हम आगे जानेंगे, अभी हमारा कंसर्न है रिगिफाई को समझना, तो आज का कंसर्न है हमें सिर्फ बोन सेटअप करना। चलो शिफ्ट ए प्रेस करो, वैसे मैंने एक दो वीडियो बनाया हुआ है मैंने रिगी के ऊपर, आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जाके देख सकते हो, रियल मैं ऐसे कार्टून के ऊपर बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं मेटा रिग, यहाँ पे दो तरह का, अगर बेसिक रिग लेते हो इसमें बेसिक मेटा रिग है क्वाड्रोपाइड का, और ये और एक होता है ह्यूमन मेटा रिग, इसमें अगर आप लेते हो जैसे ऑन किया, और एक चीज और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा जो रिग ये जो प्रोपोर्शन है इसका मेटा रिग का वो इसका उल्टा पड़ रहा है अपोजिट, तो मेरा ये तो डिफॉल्ट आएगा ऐसा ही, तो मैं क्यों नहीं मैं जो रोट इसका जो पोजीशन है उसी पोजीशन से मैं इसको रोटेट कर दे रहा हूँ। तो आपको कैरेक्टर जियो को ऑल सेलेक्टेड, यहाँ पे आपको इसको ऑन करो, अनफ्रीज करो और यहाँ पे करो राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लो, तो आप देखेंगे कि इंटायर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। और इस बार मैं क्या करता हूँ इसको रोटेट कर देता हूँ, अभी फिलहाल आप मेटा रिग को सेलेक्ट करके इसको अभी डिलीट करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिलीट नाउ, सेलेक्ट दिस राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड इसे ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड और आर जेड एंड 180 डिग्री इंटर, तो 180 डिग्री जस्ट अपोजिट हो गया इसका उल्टा। अब अगर आपने यहां से कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस किया और अब अगर आपने मेटा रिग लिया तो आप देखोगे कि जो प्रोपोर्शन है कैरेक्टर का वैसे प्रोपोर्शन मिल गया। ओके, तो मेटा रिग जो हमने लिया अब देखेंगे दोनों में अंतर है, मेटा रिग अगर लिया हुआ है अभी गलती से एक सॉरी अनलॉक कर दो, अभी जो मेटा रिग इस पे लेना है जस्ट वर्किंग पे जाओ, ये मिस्टेक हो जाता है तो ध्यान रखना इसको। तो दो चीज़ें हैं, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे आप देखोगे यहाँ से जब बेसिक में जाओगे यहाँ से भी एक मेटा रिग मिल रहा है, इसमें आप देखेंगे कि इसका जो पूरा इंटायर रिग मिल रहा है लेकिन एक बायपेड का बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से मिल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ शिफ्ट ए से यहाँ पे ह्यूमन मेटा रिग लेता हूँ, ह्यूमन मेटा रिग हमारा पूरी तरह से फिंगर से लेकर एवरीथिंग आपको जो एक रियलिस्टिक एक जेनरिक बॉडी होता है वो आ जाते हैं, इवन एज वेल एज आप फेस के लिए भी। तो चलो फेस की जब जरूरत होगी तो मैं करूँगा, सबसे पहले मैं इसे सेटअप करना है कि अब यही बॉन अगर मैं मैनुअली अगर बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं इसी को सेटअप कर लेता हूँ, तो इसको सेटअप करना बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले एस प्रेस करो और यूनिफॉर्मली स्केल करके आप इसका जस्ट शोल्डर तक इसको कॉल कर लो, यहाँ तक कम से कम आपका ये आने वाला है इसे लाइक दिस मच। और अब यहाँ पे एक चीज़ है, जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो इसके पहले आप इसका प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ,
और इसको डाउन पे जाओ। यहाँ पे होता है एक इन फ्रंट। इन फ्रंट से क्या होता है कि ये यहाँ पे मैं इसको अगर मैं फ्रीज कर देता हूँ, मान लो कि ये सेलेक्ट ना हो, ओके, तो अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कहीं भी रहेगा, हर एक एंगल से आप बाहर इन फ्रंट में दिखता है, ओके, ये इसका एडवांटेज है, ओके। चलिए तो अब ये हो गया। अब इस बोन को अगर देखेंगे कि जब ये बोन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तीन ही मोड मिलता है आपको। अगर मैं मेस सेलेक्टेड था तो बहुत सारे मोड मिलते थे, स्कल्प्टिंग होता था, टेक्सचरिंग होता था, मॉडलिंग के लिए एडिट होता था, लेकिन यहाँ पे एक एडिट मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और एक पोज। तो पोज मोड पे जाके भी हमें कुछ ऑप्शन मिलता है। पोज मोड पे जाते हैं, किसी भी एक एक ज्वाइंट्स को अगर मैं यहाँ से रिपोज करता हूँ, जैसे एनिमेशन के बाद इसका पोजिंग के लिए कुछ, तो ये पोजिशन मिलाने के लिए। और एक होता है एडिट मोड। एडिट मोड में क्या होता है कि एक एक बोन को आप सिलेक्शन करके कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हो, ओके। तो एडिट मोड में सबसे पहले इसके बोन सेटअप, इसका स्केलेटन आप सेट करना है, जिसका इसका बॉडी है उसके हिसाब से इसको एनवेलप करना है, ओके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पोज मोड पे जाते हैं और ए प्रेस करते हैं एक बार में, सब आपको पोज मोड में सिलेक्शन होता है। और इसमें आप क्या करो, इसका बोन पे जाओ, यहाँ से आपको एक सेटिंग्स मिलेंगे, आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको यहाँ से जाओ व्यूपोर्ट, ओके, व्यूपोर्ट डिस्प्ले में जाएंगे कहाँ पे, जब आप इस आर्मेचर मोड पे जाओगे और आप अभी पोज मोड पे हो, यहाँ पे होता है ऑक्टाहेड्रल, जो अभी जो मोड दिख रहा है डिस्प्ले मोड है, ऑक्टाहेड्रल है जो आपका बोन का शेप दिख रहा है। एक होता है स्टिक, स्टिक से हमें सेटिंग करने में, ऐसे मुझे, मैं पर्सनली बताऊंगा कि मुझे इसमें सेटिंग करना ज़्यादा बेटर लगता है जस्ट स्टिक मोड पे। तो आप चलो स्टिक मोड पे रखो, कोई दिक्कत नहीं, बोन वही होता है, इसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। और अभी मैं क्या करूँगा, इसको एक ये जो मेरा फेस का पार्ट है, कोई साइड व्यू में चले जाओ और इसको आप ड्रैग एंड सेलेक्ट कर लो पहले, जैसे ये सब एक्स्ट्रा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट करके आप इसको भी पकड़ लो दोनों तरफ से, शिफ्ट सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो, और इसे मुझे अभी हाइड करके रखना है ना, इसके ऊपर हम फोकस अभी नहीं करेंगे, इसको हमें हाइड करके रखना है। तो हाइड के लिए क्या करो आप, यहीं पे अगर मैं हाइड कर दूँ इसको बेटर होगा, आप यहाँ से भी ड्रैग करके इसको रख सकते हो, हाइड करके जो सेलेक्टेड है, तो बहुत अंदर जाना पड़ेगा मुझे, तो इसको अभी सब तो हाइड करके रखो या डिलीट कर दो, हम मैनुअल भी ले सकते हैं, तो मैं अभी हाइड कर देता हूँ फिलहाल, एच से हाइड ऑल सेलेक्टेड। और अभी हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं कि जैसे हमें जैसे भी सेट करना है, इसको हम अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी एडिट मोड पे जाना बेटर होगा हमें। एडिट मोड पे जाएंगे तो आप देखते हैं यहाँ पे एक चीज़, आप पोज मोड पे रहो और अंडू कर लो एक बार, इसको मैंने एक गलती किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको आप इस पे एडिट मोड में आओ, एडिट मोड में जाके इसको हाइड कर दो, एच हाइड, इसको डिलीट भी कर सकते थे लेकिन चलो अभी। और बाकी का जो एक्स्ट्रा जॉइंट्स है यह सबको मैं हटाना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ मैं, इसका आप देखोगे इसके टूल्स में अगर आप जाते हो टूल्स में, तो यहाँ पे एक्स मिरर होता है, इसको ऑन कर दो, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से भी मिरर ऑन करो, तो क्या होगा कि अगर मैं एक तरफ का अगर कोई भी बोन को अगर मैं जी प्रेस करके सेट करता हूँ, इसको ग्रैब करता हूँ, तो ये दोनों तरफ से इक्वली काम होगा, तो हमारा काम फास्ट होगा। तो चलिए अब हमारा ये इसका बोन को सेटअप करने इसके अकॉर्डिंग, तो फ्रंट व्यू में जाओ वन प्रेस करके, पहले आप लेग पे आ जाओ, तो लेग वाला अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ऐसे ड्रैग एंड सेलेक्ट, और इसको हमारा ये एक्स एक्सिस मिरर ऑन है, और जी प्रेस करके हम थोड़ा सा सेट करेंगे कि इसको यहाँ पे ले जाना है, और थोड़ा सा आर प्रेस करके इसको रोटेट करो, और फिर जी प्रेस करके आप रखो, तो आप देखोगे कि जैसा लेग है, जैसा प्रोपोर्शन में लेग है, वैसे हम इसको रखने की कोशिश करते हैं बाय प्रेसिंग आर मोड, देन इसको आप एडजस्टमेंट करो। अब एक दो बातों को ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे हमेशा, जो एक दो बातें ये है कि जो खासकर जहाँ पे जॉइंट्स है, इसको आप अकेले मत लेके चलो, ये मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि
इसका कहीं ना कहीं लिंक होता है, तो लिंक डिस्प्लेस होने से आपको रिग में कभी कभी बहुत एरर्स आते हैं, तो आप कोशिश करो कि इसके साथ रखने की कोशिश करो, अप डाउन जहाँ भी करो तो इसके साथ आपको ऐसे एक बैलेंस मिलेंगे। तो चलो अभी हमारा, और ये प्रोपोर्शन हमेशा पैरेलल एक जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे लिया फिर ये इसको स्ट्रेट कर दिया, तो ये भी एक चीज़ का ध्यान रखना, वरना इसका एंगुलर चेंज होगा एंगल, तो प्रॉपर आपका ये नहीं देगा। अब इसको सेलेक्ट करो इन दोनों को, और फ्रंट पे ही रह के हम आर प्रेस करेंगे, इसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं इसका जस्ट प्लेन के हिसाब से, और साइड व्यू में जाओ और इसको एडजस्ट करो। अभी देखिए यहाँ पे अगर हमने सेलेक्ट किया इन दोनों को, और इवन ऑल सेलेक्ट कर लो, यहाँ तक कर लो, वन साइड हमें हो रहा है, साइड व्यू में जाएंगे बाय प्रेसिंग 3, देन जी प्रेस करके इसको बैक लेके आओ, तो बैक ऑलमोस्ट आप यहाँ तक ला सकते हो, और ये हो कि आपका बीच में सेंटर में करीब करीब रहेगा, इसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, जी प्रेस करके ऊपर ले जाओ, और ये देखोगे आपका ये दोनों, इन दोनों को सेलेक्ट करके ये सेट करना जरूरी है, जी प्रेस करके थोड़ा सा और पीछे लाओ, तो हिप के जस्ट इसके बाजू में रखते हैं, देन इन सबको एडजस्ट करो, ऑल सेलेक्टेड, देन जी प्रेस करके यहाँ पे लाओ। वैसे मैं रिगिंग का कुछ लोगों का मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा, कि बहुत सारे व्यूअर का जो डिमांड है कि मेक जो कॉप जैसा, मतलब लो पॉली कैरेक्टर बना के आप जस्ट उसका प्रोजेक्ट बताइए, तो आप थोड़ा दिन वेट कीजिए, आप वो भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वैसे ही आपको सीखने की चॉइस है, वो बहुत ही लो कैटेगरीज का जो मॉडल बना के उसको प्रोडक्शन के लिए आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। तो आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का अगर इसको समझते हो तो आप वो ज़्यादा इजीली आपको लगेगा। तो चलिए, एडवांस कुछ नहीं है यहाँ पे, अगर देखा जाए सोचते हम लोग एडवांस कुछ नहीं होता है, बस आपको काम करने का जस्ट ये होना चाहिए। बाय प्रेसिंग जी आप इसको बॉडी के हिसाब से इनको सेटिंग करो, जिसे अभी मैं इतना को सेलेक्ट करता हूँ ऑल, जस्ट इतना, और साइड व्यू में जाऊँगा, इसको प्रेसिंग जी इसको बैक लाऊँगा अपने हिसाब से, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा इसको भी लेके आ जाओ यहाँ, ओके। और चलिए ये हमारा क्या है, जी प्रेस करें, ये कॉलर बोन के लिए है, तो ये कॉलर बोन और प्लस ये हैंड का हो गया, जस्ट ऐसे आप इसको एडजस्ट कर लो, और ये नेक वाला पार्ट है, इसको भी जी प्रेस करके इसके सामने लेके आओ, नेक को जस्ट ऐसा, और हेड का ये मोमेंट यहाँ से होंगे, नेक को यहाँ पे रखते हैं, ऐसा कुछ आप एडजस्टमेंट कर लो, कुछ ऐसा, ओके ये हो गया। ओके ठीक है, मैंने कोई ये नहीं किया है, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं बोन को डिलीट कर देता हूँ, जो अनवांटेड बोन लग रहा है उसको आप मत रखो, अभी यहाँ पे उतना रियलिस्टिक हम नहीं बना रहे हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और जी प्रेस करेंगे, और इसको जस्ट आर्म जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से, और इन सबको सेलेक्ट करके भी आप लेके आ जाओ ऐसे, लेकिन यहाँ भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एकदम स्ट्रेट आए, देन दिस सेलेक्टेड आप इसको यहाँ पे रखो, यहाँ तक आएगा, और कोशिश की जाती है कि इसको आप ऐसा रखो कि आप सॉरी ओनली दिस सेलेक्टेड, एंड इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाए, फिर बिल्कुल इसके हिसाब से स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा हाथ ऐसा चलेगा। ओके अब इधर से साइड से आके यहाँ पे हमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है मिलाने का, हैंड का साइड से जो आप देख रहे हो, ताकि ये थोड़ा सा करीब कर इसके तरफ आएगा, ताकि ये बेंड बैक की तरफ जाए, देन ये अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हो, और फिंगर बनाना बहुत मुश्किल होता है फिंगर पे सेटिंग करना, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको रखते हैं प्रेसिंग जी, इसको यहाँ, देन इसको यहाँ, इसके लिए तो वैसे आप सेटिंग कर लो, और हर एक एंगल से, ओके
ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको हर एक बोन को हम लोग प्रॉपर प्रोपोर्शनेट करके कहाँ से क्या रहेगा, जैसे हम लेग पे भी देखते हैं, यहाँ पे लेग के लिए आप जाओगे तो प्रेसिंग जी थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, और बाकी देखता हूँ मैं। ठीक है, इसे अगर आप जी प्रेस करके इसके बराबर रखो, प्रेसिंग जी और एक्स पे थोड़ा सा कम कर लो, और जी और एक्स पे थोड़ा सा कम कर लो, लाइक ऐसा समथिंग ऐसा। तो इस टाइप से हम लोग फिंगर वगैरह सब सेट करेंगे और हमारा सेटअप हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस करता हूँ मैं और एन प्रेस कर दो, अभी हाइड कर दो इनको। अभी तक हमने इतना सेटअप किया है। अब इससे आगे हमें फिंगर को अच्छे से सेटअप करने के लिए एक टेक्निक यूज करना पड़ेगा, स्नैपिंग का। तो उस स्नैपिंग के लिए क्या करते हैं आप, देखो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्लिक करो लाइक इस पैनल पे, तो यहाँ पे देखोगे अलग अलग आपका स्नैपिंग का एलिमेंट्स है। स्नैपिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें हमें वॉल्यूम स्नैपिंग लेना है, क्योंकि वॉल्यूम स्नैपिंग जो होगा, जो जो एरिया होता है, जैसे ये बॉडी का ये से एरिया है, लाइक एक सेंटर एरिया है, तो एक जस्ट एक थ्री डायमेंशनल अगर देखा जाओ तो इसका एक वॉल्यूम होता है। जैसे आप देखो, आपको लगता है कि इधर से मैंने सेट कर दिया प्रॉपर हो रहा है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि ऑलवेज इसका जब भी मूवमेंट करें तो इनसाइड वॉल्यूम ये जाए। तो इससे क्या होता है कि आप इजिली आप इसके ऊपर आप इसको प्लेस कर सकते हो। तो इसको ऑन करके बस इसको आप स्नैपर को भी ऑन कर लो एट दैट टाइम, देन आप इसको जी प्रेस करके एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये स्नैप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आप इससे रखो समथिंग यहाँ से यहाँ तक, तो आप हर एक एंगल्स में आप ये करते जाओ, क्योंकि आपका देखोगे यहाँ पे ऑन है आपका सिमिट्रिकल, जिसके वजह से एक्सिस मिरर, इससे वजह से हमारा दोनों साइड हो रहा है एट ए टाइम। तो कोई बात नहीं, चलो इसको आप सेट करना शुरू करो, कहाँ से इसका फिंगर का मूवमेंट होगा, हर एक एंगल से मैं देखूंगा इसको। और जी प्रेस करते हुए आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना शुरू करो, जहाँ से रिक्वायर्ड है ये यहाँ से बेंड होगा, यहाँ से बेंड होगा एंड देन ये यहाँ से बेंड होगा। यहाँ पे एक टेक्निक होता है फिंगर का सेटअप के लिए, जो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे हमें कि ऑलवेज ये इन्वेलप इसके सेंटर में होना चाहिए, तो ऑलमोस्ट ये सेंटर ही होना चाहिए। तो हर एक एंगल से आप एक बार दे दो, इसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है आपका फिंगर को सेट करने के लिए, क्योंकि कैरेक्टर आपका जो भी आपका मॉडल होता है वो अपने हिसाब से आपने मॉडल किया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आपको मैनुअली सेट करना पड़ता है। तो चलो इस टाइप से हमने सेट किया है, ओके। वैसे हम यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, जहाँ से ये ऊपर का जो बोन होता है हैंड का इनसाइड का, और ये फिंगर के लिए होता है, ये ज्वाइंट्स इधर 1 2 3 ज्वाइंट्स है फिंगर के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबको सेलेक्ट कर लो ऐसे एक बार, जो ये हम होल्ड ऑन शिफ्ट देन ऑल सेलेक्ट करते हैं एक फिंगर को टोटल, और इसके हिसाब से देखेंगे कि ये कहाँ पे प्लेस होगा। तो जी प्रेस करके इसको प्लेस करने की कोशिश करो, इसके यहाँ पे सेंटर में आएगा। इधर से भी हम देखते हैं, आर प्रेस करके थोड़ा सा सभी को एक साथ सेलेक्ट करके आप एक बार इसको आप एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे अगर आप एक को अगर ओनली वन क्लिक करके अगर आप इसको एडजस्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए आपका, ये यहाँ पे प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो आप ऐसे इसको करो, और बस ऐसे ही हम करते जाएंगे। आप एग्जैक्टली जहाँ से मोमेंट जहाँ जहाँ से होने हैं फिंगर के, वो हम रखते हैं यहाँ से, और इसको ऑलमोस्ट आप यहाँ पे रख लो, जिससे हमारा स्किनिंग वगैरह करने में भी आगे का कोई प्रॉब्लम ना हो जहाँ से मोमेंट होगी। और फाइनली इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे स्नैप करके, और कुछ ऐसे लाइक दिस। तो सॉरी, हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल हमें इसमें करना पड़ रहा है, तो अभी वैसे ही हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे फोर को, और हर एक इस एंगल पे जाएंगे, इसको आर प्रेस करके पहले आप इस एंगल पे कर लो, जी प्रेस करके फिर आप इसको स्नैप करो यहाँ पे,
तो आप देखोगे कि अभी स्नैप कहीं और हो गया था, लेकिन हम स्नैपर ऑन है तो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, जितना ज़रूरत है उतना ही आप स्नैपिंग का यूज़ करो यहाँ पे, और इसको सेलेक्ट करो। ये सारा काम आपका एडिट मोड पे होगा, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है जो आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे हम दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे बेंड होगा उस जगह पे इसको रख लो, और अदर एक्सिस पे भी जाके आप देखो तो बाकी का एंगल ऑलमोस्ट ठीक है। अगर इस एंगल पे यहाँ से आप करते हो तो वैसे सिलेक्शन करके भी आप थोड़ा सा हर एक एंगल से आप इसको एडजस्टमेंट कर लो। फिंगर के लिए यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे जाना चाहिए, समथिंग कुछ ऐसा। तो ये भी हो गया आपका डन। और हर एक एंगल से देखिएगा, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि ये इन्वेलप सेंटर में नहीं हो रही है तो आप थोड़ी से आप एडजस्ट करके रखो इसको। डन हो गया ये भी। नेक्स्ट दिस सेलेक्टेड, होल्ड ऑन शिफ्ट देन ऑल सेलेक्टेड, इसको भी आप एडजस्ट करो इसके हिसाब से। ओके, आर प्रेस करके पहले आप इसके पैरेलल रखेंगे और जी प्रेस करके यहाँ पर। देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वही चीज़ बार बार आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं स्पीड वीडियो भी बना सकता था, लेकिन बहुत सारे व्यूअर का होता है कि नहीं आप पूरी तरह से आप वीडियो बनाओ स्पीड में, मतलब दो वीडियो मतलब टाइम लैप्स में, तो इसके वजह से थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको फास्ट करके आप इसको एडजस्टमेंट करते रहो और ये फाइनल हम करेंगे। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ रखता हूँ और इसको यहाँ रख देता हूँ कुछ ऐसा, करीब करीब ऐसा। अब एक बार देखेंगे कि हमारा सही जा रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, इसको सेलेक्ट करेंगे जी प्रेस करके, इसको थोड़ा सा इसके पैरेलल कुछ फिर यहाँ पे एडजस्ट कर लो ऐसे, कुछ ऐसे हम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका सीधा यहाँ पे। फाइनली ये स्मॉल फिंगर के लिए भी आप आर प्रेस करो, इसको एडजस्ट करो, इसको जी प्रेस करके लड़ने की कोशिश करो यहाँ पे, और फिर एक एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप एडजस्ट करेंगे बाकी सबके जैसा। इसे भी इसको अगर हम यहाँ रखते हैं देन यहाँ पे मूवमेंट होगा और ये यहाँ पे जाएगा, तो इसके हिसाब से ये यहाँ रखेंगे। तो कुछ ऐसा हम सेटिंग कर लेते हैं। और ओवरऑल जो ये कनेक्शन होगा जिसे हैंड का, इसको सेलेक्ट करो और जी प्रेस करके इसके बराबर। तो आपको इस तरीके से आप पूरी तरह से रिफाइनिंग कर सकते हैं इसका, लाइक जो भी स्केलेटन है वो बोन एज ए बोन वो मेज के जस्ट इन बिटवीन कोशिश की जाए, सेंटर में रहना चाहिए, तो आपका इन्फ्लुएंस भी इस बोन का जो होगा जब हम स्किन लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली आएगा। सॉरी, आप ऐसे इसको एडजस्ट कर लो कुछ इस तरीके से, और हो गया ऑलमोस्ट हमारा ये सेटिंग हैंड का। ओके, अभी ये जो मैं इसमें जो हिडन रखा था, बाकी को हाइड करके रखा था, उसको हम लोग थोड़ा सा अनहाइड करते हैं ऑल्ट प्लस एच प्रेस करके, तो अनहाइडेड है अब। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको समय लगने वाला है इसके साथ सेटिंग के लिए, तो चलिए इसको भी हम सेट करते हैं जी प्रेस करके। इसको फेस के तरफ सेट करने की कोशिश करो, तो फेस के ऊपर हम इसको सेटिंग करेंगे। इसके लिए भी थोड़े देर के लिए हमें इसको एस प्रेस करके आप स्मॉल करो, तो आई थिंक एक इसको सेंटर में ये डिस्टर्ब ना होना चाहिए। इसको अगर हमने अंडू किया अभी फिलहाल, और अंडू करके मैं इसको स्केल नहीं करके यहाँ पे रखता हूँ जी प्रेस करके। अभी थोड़े देर के लिए इसको ऑफ कर दो आप, वरना वो प्रॉब्लम होगा। और जो हेयर का पार्ट है, अभी मैं टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ और कैरेक्टर को सेलेक्ट करूँगा मैं यहाँ से अनफ्रीज करके, सिर्फ हेयर को, और हेयर को एच प्रेस कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो इससे आप अच्छे से इसका फेस का सिंबल कर सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशन बनाने के लिए जो आप देख रहे हैं, तो ये हम करेंगे। तो इसको जस्ट एडजस्टमेंट के लिए,
हो सकता है इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट कर सकता हूँ, बिकॉज कि ये बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। फिर से आप आ जाओ एडिट मोड में, बोन सेलेक्टेड, और यहाँ पे हम साइड व्यू में जाते हैं, जी प्रेस करके स्ट्रेटली एकदम स्ट्रेट आप इधर लेने की कोशिश करो, आईज जहाँ पे है ऐसे लोकेट कर दो इसको कुछ इस टाइप से। एंड लोकेशन होने के बाद आप फ्रंट में भी जाओगे, चलो इसको स्केल करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ऑलमोस्ट इतना स्केलिंग हम कर सकते हैं ज़्यादा। और थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट मत जाओ इसको, जब भी ऊपर से नीचे लाओगे, क्योंकि आप देखोगे जी प्रेस करके अगर मैं ये कर रहा हूँ तो बीच का ये सेंटर को ब्रेक कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो कनेक्शन है ये सिमेट्रिकल, वो बीच वाला पोर्शंस को डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे हर एक बोन में आप देखेंगे यहाँ से अगर आप जी प्रेस करके ड्रैग करो तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो ये जो प्लेस्ड किया हुआ है प्रॉपर, तो उसके हिसाब से आपको एकदम परफेक्ट स्किनिंग वगैरह करने में भी दिक्कत नहीं होगी जब आप इसको कंप्लीट करोगे। तो आप वीडियो को वैसे आप देखते रहिए, आप कैसे मैं करूँगा हाफ को। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और एल प्रेस करता हूँ, एल प्रेस करने से क्या होता है कि इस ज्वाइंट के साथ जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर आपका एक साथ आएगा। तो आईज का इसका अराउंड आप रखोगे इसको, आप देख सकते हो, और इस आईज को हम थोड़े देर के लिए ये कर सकते हैं शिफ्ट एच, तो बाकी सब हाइड हो जाते हैं, हाइड होने दो, बाकी आप इसको एडजस्ट करो। तो इसको भी हम जो एडजस्टमेंट करेंगे इस बार फेस के ऊपर स्नैपिंग करेंगे, ये ऊपर में रहेगा फेस के अराउंड, और फेस स्नैपर ऑन करके और जी प्रेस करके आप एडजस्ट करने की कोशिश करो यहाँ से इसके अराउंड, लाइक आइज का जितना एरिया आइज के लिए डिफॉर्मर होगा, और ये दोनों को जो सेंटर वाला पार्ट है अपर डाउन दोनों को सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस टाइप से आप इसको सेटिंग करो एग्जैक्टली जो लगता है, देन इसे यहाँ पे रखोगे इसके हिसाब से थोड़ा सा, तो जैसा हमारा ये प्रोपोर्शन आएगा हमारा आइज का उतना एरिया में रखते हैं लाइक दिस। और मेंटेन करने के बाद हम लोग अभी स्नैप करने करके रखा है अभी, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा इनसाइड कर सकते हैं मेस के अंदर। तो बस आप देखते जाइए वीडियो, जरूर आपका लंबा मिलेगा ये वीडियो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ व्यूइंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हमेशा सेंटर में रखने की कोशिश करो ये दोनों को अप डाउन को। ओके, तो जस्ट ऐसे हम इसके रूल के हिसाब से हम चले जाते हैं, सबको सेटिंग करते हैं, और बाकी अब करेंगे एल प्रेस करके इसको ऑल सिलेक्टेड और ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, तो फिर से बाकी अनहाइड हो जाएंगे। ओके, तो अब ये हो गया, अब वैसे हम नोज का एंड ऑल सभी को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, साइड में जाके इसको लेफ्ट व्यू में जाओ, इसका माउथ के पास अब इसको एडजस्ट करो कुछ ऐसे, सॉरी। कभी भी जो हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आप केयरफुली आपको मार्क सिलेक्शन करके आप करो, मार्क सिलेक्शन यूज़ करो तो बेटर होगा। तो नोज के लिए हमारा ये आ जाता है यहाँ तक पोर्शन, एंड आप जाओगे यहाँ पे इसको हमें मार्क सिलेक्शन करते हैं जी प्रेस करके यहाँ, और ये पार्ट ये चिक बोन के लिए आ जाएगा, और यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ऑलमोस्ट हमारा ये भी सेटिंग हो रहे हैं, एंड ये जाएगा थोड़ा सा इस एंगल पे। आईब्रो के लिए आप देखोगे तो आईब्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल ये है, तो इस पे जाके एल प्रेस करेंगे और दोनों ऑल सेलेक्टेड जी प्रेस करके आप आईब्रो के आजू बाजू इसको सेट करो, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, इसको डिसलेक्ट करते हैं, फिर जी प्रेस करके इसके ऊपर जाते हैं आईब्रो जो हमारा दिया हुआ है उसके लिए, और इसको आप एडजस्ट कर दो यहाँ पे प्रेसिंग जी, एंड इसको ये जितना हमारा ये आईब्रो है उतना एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसा, हर एक एंगल से आप देख करके जा सकते हो। ओके, और बाकी का जो ये जो पार्ट है लाइक ये वाला पार्ट, इसको भी आप थोड़ा सा आउट ऑफ ये रख लो लाइक अरेंजमेंट ऐसा, आप ऐसे अरेंजमेंट रखें इसको, एंड ये मार्क सिलेक्शन करके इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट करो जहाँ पे रिक्वायर्ड है,
ऐसा, और इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, एल प्रेस करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे आई बोर्ड के अंदर सेट करने का। जी प्रेस करके इसका जस्ट सेंटर में रखने की कोशिश करो और साइड में जाके आप देखेंगे ये एक्चुअली ये जो बोन है हमारा, सॉरी इसको अगर हमने एक एक को सेलेक्ट करके लाया, जस्ट डाउन किया यहाँ तक ऐसा, और इसे सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि वो स्नैप कर रहा है बार बार, अंडू करो तो इसको स्नैपिंग ना हो, इसके लिए आप फिर से अंडू कर लो। इसको मैं स्नैपिंग में नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे इसके सेंटर में रखने का। सो अब ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें रखो, आई कंट्रोल के लिए हो जाएगा आपका ये। तो इस टाइप से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा फेशियल एक्सप्रेशन बनाने के लिए, और टंग और ये के लिए भी हम इसको मेंटेन करते हैं। इसको सेलेक्ट करके ये अपर आप देखोगे कि ये इसका अपर टिथ के लिए और ये टंग के लिए हो गया और लोअर जो के लिए हो गया ये, और जो के लिए जो हमारा ऑलरेडी ये जो स्नैपिंग किया हुआ है यहाँ पे लाइक ये सब के है, ये भी सही है। लिप्स वाला पार्ट को हम देखेंगे, तो लिप्स के लिए चलिए लिप्स के लिए सेलेक्ट करोगे इसको थोड़ा सा आप होल्ड ऑन शिफ्ट करके आपको एक एक करके सेलेक्ट करना होगा एक बार में। और याद रहे यहाँ पे जो हम सेटिंग करेंगे लिप्स के लिए, तो जी प्रेस करेंगे नीचे लाने के लिए और जेड एक्सिस पे ले आएंगे, वरना वो लेफ्ट राइट जाके ये खराब हो जाएगा। तो लिप्स का जो अराउंड है इसका वो आप बना लो। अभी यहाँ पे बीच का कभी भी आप सिलेक्शन करेंगे तो उस हिसाब से जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन करते हो, ओके ऐसा जी प्रेस करके इसको ऐसे, सॉरी अभी फिर से ये हटना नहीं चाहिए दोनों को, जी एंड जेड एक्सिस पे इसको अराउंड फेस का आप कर लो ऐसा कुछ। तो ये जितने भी जॉइंट्स लगे हैं, और इसे मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इस पार्ट को, सॉरी दिस वन सेलेक्टेड ओनली, एंड साइड व्यू जाओ, जी प्रेस करो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और इसके फेस के हिसाब से ये चला जाएगा यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट हमारा ऐसे हम सेटअप करते हैं। अभी एक चीज मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है जो नहीं होना चाहिए, जैसे ये पार्ट देखो, ये अगर आप सिलेक्शन करोगे अगर ऐसा हो भी जाता है तो जैसे ये आप देखेंगे, और फ्रंट पे जाओ एग्जैक्टली और फ्रंट व्यू पे इसको कोशिश करो इसके आप बीच में रखने का, वरना आपका सारा फेस का ये प्रॉब्लम्स कर देगा। तो आप इसको भी सेंटर में रखने की कोशिश करो, देन दिस वन ऑल्सो कीप इट सेंटर, ओके। तो इस टाइप से अगर आप पहले बना लेते हो अपना एक, और ईयर वाला जो पार्ट है इसको हम देखेंगे ईयर के लिए, तो ईयर के लिए भी रखो जी प्रेस करके, सॉरी ये भी कनेक्टेड है तो ऐसे आप सिलेक्शन करिए और ऐसे आप रखो, देन इसको यहाँ रेक्टेंगल मार्की से आप इसको सिलेक्शन करो, तो करीब करीब आपका ये भी हो गया। तो इस टाइप से हम लोग ये सेटअप करते हैं। तो ये सेटअप में जितना पॉसिबिलिटी होता है आप कर लो, और ये आपका बोन सेटअप का आज का इतना ही पार्ट मैं रखना चाहूँगा। ये बोन सेटअप से रिलेटेड जो टेक्निक था वो मैंने बताया आपको, और अगला पार्ट में हम देखेंगे इसको आगे, हम इसको रिगिफाई को कैसे अप्लाई करेंगे, और फिर स्किनिंग का भी पार्ट होगा। तो ऑलमोस्ट दो तीन पार्ट्स हो जाएंगे आपका रिगिंग के लिए भी, उसके बाद हम लोग एनिमेशन के लिए करेंगे। तो चलिए वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए, शेयर कीजिए जरूर, और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको वीकली 2 या 3 वीडियोज तो मैं डालूंगा ही आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। और वैसे ही आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, स्टडी करते रहिए, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, आप मुझे मैसेज, मैं उसके बिहाफ पे मैं कुछ भी टूल्स आपको बताता रहूँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर विदा लेते हैं, अगले वीडियो में जल्द ही हाजिर होता हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय।